आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 9.1 डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन वन है डिटरमिन ऑर्डर एंड डिग्री इफ़ डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि अगर डिग्री डिफाइंड है तो हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश, इसका मतलब है थर्ड डेरिवेटिव। देखो कैसे करेंगे, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर प्लस साइन वाई ट्रिपल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे पावर क्या है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रही है, फोर टाइम्स। तो ऑर्डर क्या होता है, जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो रही हो, तो यहाँ पे चार बार और यहाँ था तीन, तो ऑर्डर क्या हो गया, फोर। अच्छा अब डिग्री, डिग्री कब कब डिफाइन होती है, डिग्री तब डिफाइन होती है जब ये पूरा पॉलिनोमियल हो। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ डेरिवेटिव आ जाए तो डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी। तो यहाँ पे डिग्री लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर यहाँ पे फंक्शन साइन एक्स होता, साइन वाई होता, तो ये डिग्री डिफाइन हो जाती। अब यहाँ साइन के साथ डेरिवेटिव आ गया तो इसी की वजह से ये डिग्री डिफाइन नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है डिटरमिन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस फाइव वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, y डैश का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री दोनों डिफाइन होंगी, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है और वेरिएबल में ही है ये। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, एक ही बार, तो ऑर्डर क्या हुआ, वन। अच्छा डिग्री हम इसी की चेक करते हैं जिसका ऑर्डर होता है, जैसे इसी का ऑर्डर चेक किया तो इसकी डिग्री क्या है, वन। तो ऑर्डर और डिग्री क्या आ गई, वन। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड, क्वेश्चन नंबर थ्री है डिटरमिन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी एस अपॉन डी टी की पावर है फोर प्लस थ्री एस डी स्क्वेयर एस अपॉन डी टी स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्वेश्चन कई बच्चे गलत कर देंगे, वो ये देखेंगे कि इसकी पावर फोर है। हमें पावर नहीं चेक करनी, डिफरेंशियल चेक करना है कि कितनी बार हो रही है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक बार हो रही है और यहाँ पे डिफरेंशिएशन दो बार हो रही है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, टू, ठीक है। तो ऑर्डर जो चेक करते हैं हम उसी की ही डिग्री देखते हैं, ये नहीं कि इसका आंसर फोर आएगा, डिग्री वन आएगी इसकी। कैसे, क्योंकि जो डबल डिफरेंशिएशन जिसकी किया है उसकी डिग्री क्या है, वन, ठीक है। उसी की पावर चेक करनी है जिसका हमने ऑर्डर चेक किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन फोर क्या है डिटरमिन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो इसमें ऑर्डर क्या होगा, डेरिवेटिव दो बार हो रहा है, यहाँ पे एक बार हो रहा है, तो हाईएस्ट वाले को हम चेक करते हैं तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, टू। अच्छा इसकी डिग्री क्या होगी, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर बच्चे लगा देंगे डिग्री टू, पर यहाँ कॉस के साथ फिर डेरिवेटिव आ गया। जब भी कॉस के साथ डेरिवेटिव आ जाए तो डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये वन मार्क में क्वेश्चन जरूर आएगा,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, डिग्री गलत लगा देंगे, हाईएस्ट इसका देख के पावर टू, उनको ये नहीं पता चलेगा कि कॉस के साथ डी वाई बाई डी एक्स है, तो डिग्री डिफाइन ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पहले पूरे के पूरी इक्वेशन को चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है, डिटरमिन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस, एक मिनट, फिफ्थ क्वेश्चन में देख लूँ कौन सा दिया हुआ है, कॉस 3x है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। ठीक है, ये दे रखा है हमें फंक्शन। अब यहाँ पे हमारा ऑर्डर और डिग्री दोनों डिफाइन है, क्योंकि कॉस के साथ डेरिवेटिव नहीं है, एक पॉलिनोमियल आ गया, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर और डिग्री दोनों डिफाइन होंगी। अच्छा, ऑर्डर क्या होगा, डिफरेंशिएशन दो बार हो रही है, ऑर्डर टू, और डिग्री क्या होगी, इसकी होल पावर क्या है, वन, तो डिग्री क्या होगी, वन। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल उस ट्रिग्नोमेट्री के साथ है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 है, वाई ट्रिपल डैश स्क्वेयर प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। अच्छा, कभी कभार बच्चों को ये नहीं पता चलता, एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ, क्रॉस चेक कर लूँ, y डैश की पावर 4, वाई डैश ट्रिपल डैश का स्क्वायर वाई डबल डैश का क्यूब। एक मिनट, मैं क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेता हूँ। वाई डबल डैश का क्यूब प्लस वाई डैश की पावर 4 प्लस वाई 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब देखो, कभी कभी बच्चों को ये नहीं पता चलता कि y ट्रिपल डैश का मतलब क्या है। इसका मतलब है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर 2, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की पावर 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस वाई 5 इक्वल टू 0। तो आप क्वेश्चन को पहले सिंपल फॉर्म में बना लो। ठीक है, अब देखो, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, इसमें दोनों चीज़ें डिफाइन होंगी, ऑर्डर भी होगा और डिग्री भी होगा। ठीक है, अब देखो, डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा इसमें हो रहा है, 3 बार, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 बार, तो ऑर्डर क्या होगा मेरा, 3। अब इसकी पावर क्या है, 2, तो डिग्री क्या होगी, 2। ठीक है, ये 1 मार्क में ही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन में दे रखा है वाई ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, इसको भी वही सिंपल फॉर्म में लिख लेना है। सिंपल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये है थर्ड डेरिवेटिव, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी वाई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब देखो, सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन 3 बार हो रहा है डेरिवेटिव यहाँ पे, तो ऑर्डर क्या आ गया, 3, और डिग्री क्या होगी, इसकी पावर 1, तो ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, आज हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए इस एक्सरसाइज के,
बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।